अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो बाहर बारिश का मौसम चल रहा है, तो यहाँ मेरे विंडो से इतनी नहीं दिखेगी आपको बारिश, लेकिन उस साइड से ना बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो हवा भी इतनी चल रही है जितनी बारिश आ रही है, एकदम बारिश ज़्यादा है और साथ ही साथ हवा का मौसम है। तो जब हम ऊटी से आए थे उसके अगले दिन का ये व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह मैं कल ही धो दिए थे ताकि अच्छी तरह, अच्छी धूप थी तो सारे कपड़े हमारे सूख गए थे। और जैसा ऊटी में लेके गए थे बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे और सूख भी गए थे, फोल्ड करके रख दिया। बाकी थोड़े से हैं कपड़े जो बच्चे के अरेंज बच्चा खुद करेंगे, हम नहीं करते थे, तो वो अपने आप ही फोल्ड करके रख लेंगे जब स्कूल से वापस आएंगे। उनकी स्कूल लगी हुई थी, स्पेशल क्लास थी तो चले गए। तो यहाँ पे बेड वगैरह क्लीन करने का काम मेरा हमेशा की तरह हो चुका है और मैंने घर को भी क्लीन कर दिया। जैसे सुबह उठी एकदम मैंने फटाफट पूरा काम कर दिया ताकि रेस्ट भी बाद में करेंगे, पहले अपना काम हो जाए तो ठीक है। तो कपड़े फोल्ड हो गए थे तो काम ख़त्म हो गया था। वहाँ से मैं लहसुन लेके आई थी और ऑनियन तो मेरे पास थी इसलिए मैंने नहीं लेके आई थी। यहाँ पे ग्रीन चिली वगैरह लेके मैं स्टोर कर दी थी। तो ये वाला पहले वाला लहसुन है, इसको मैं शायद धूप लगाने के लिए निकाल रही थी, तो बारिश आ गया तो मैंने इसको अंदर रख दिया और इसको भी दो तीन दिन तक धूप लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं इसको भी स्टोर करके रखूँगी। और यहाँ पर घर वगैरह हमारा क्लीन हो चुका है और बारिश और ठंडी हवा का मौसम इतना अच्छा है और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। अगर स्कूल ना होती तो कहीं घूमने भी चले जाते, तो बारिश के साथ साथ हवा बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है। तो अब आते हैं किचन की तरफ। तो किचन में बनाने का क्या है आज देखते हैं। मैंने पहले यहाँ पे राइस को सोक कर दिया, मतलब राइस को पानी में डाल दिया ताकि बाद में बनाने के टाइम इजी हो जाता है। 5 to 10 मिनट्स हमेशा मैं पानी में डालती हूँ चावल पहले। पहले चावल को 2-3 बार वॉश कर देते हैं, उसके बाद में चावल को 5 to 10 मिनट्स डाल देती हूँ पानी में ताकि अच्छी तरह वो भीग जाए। और यहाँ पे हमने मंगवाया है आज मटन कलीजी, तो यही बनाएंगे रेसिपी मटन कलीजी वाली, तो ये वाली लेके आए हैं। हमेशा मटन की कलीजी जब भी बनाते हैं ना तो फ्रेश बनाना चाहिए, वो ही अच्छी लगती है और उसी में ज़्यादातर हेल्दी होता है। तो इसको मैं पहले क्लीन करूँगी, जैसा ये वाले नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले क्लीन करूँगी और पीसेस थोड़े छोटे करूँगी, इन्होंने बड़े कर दिए, इसको वॉश करेंगे उसके बाद कलीजी बनाएंगे। तो ग्रेवी में बनेगा यहाँ पे टमाटर पेस्ट चटनी। तो मेरे सिस्टर्स लेके आए थे, मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करी थी ताकि टमाटर पेस्ट आया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली चटनी। तो यही वाली आज बनाएंगे, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। आप लोग ऐसी मॉल्स में मिलते हैं आप लोग ट्राई करके देखिएगा। हाँ, चटनी में फ़र्क होता है, ये वाली जो है ना थोड़ी स्पाइसी बनती है, लेकिन जो मॉल में दूसरे रकम की भी मिलती है वो थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। आप वो चेक करके लीजिएगा स्वीटनेस को और स्पाइसी को। स्वीटनेस में इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता जितना अच्छा स्पाइसी वाली चटनी में, लेकिन ये स्पाइसी इतनी नहीं होती है, बस हम थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट भी उसका बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक्स मसाले, जिंजर गार्लिक का पेस्ट वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। तो ये वाले पेस्ट मैं वहीं से मंगाती हूँ, मैंने यहाँ पे कभी नहीं ली थी क्योंकि वो आते हैं तो मेरा पेस्ट आ जाता है, या कोई आता है तो उनसे मंगवा लेते हैं। तो मैं हमेशा इसको स्टॉक रखती हूँ घर में ताकि जब भी मुझे ग्रेवी बनाने का मूड नहीं होता, ये 2 मिनट में फटाफट बन जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो प्योर एंड नेचुरल टमाटो पेस्ट, अगर आप लोग वहाँ पे हैं, बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे यू ले सकते हैं, अगर यानी तो कोई आता है तो मंगवा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा लूलू मॉल्स वगैरह अभी खुल गए हैं तो वहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आज हमारी साइड डिश जो होगी मटन कलीजी फ्राई होएगी और साथ ही साथ जो हमारी ग्रेवी होएगी वो टमाटो पेस्ट की ग्रेवी होएगी। तो बारिश का मौसम लगा है और ठंडी भी इतनी अच्छी आ रही है, जैसा ऊटी में रहते ना ऐसा ही फील हो रहा है मुझे, यहाँ पे बैंगलोर में रहते हुए भी फील ऊटी का हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले ऑनियन टमाटर वगैरह चॉप कर लेते हैं फटाफट से और बना भी लेते हैं झटपट सा। तो आसानी की रेसिपी है, आज बहुत ही जल्दी हो जाएगी और टेस्टी भी बन जाएगी। पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ फिर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जब तक ये सूखेगी हम चटनी भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए और थोड़े प्याज मैंने यहाँ पे साइड में कट करके रख दिए हैं ताकि ये जो प्याज है कलीजी के लिए, पहले मैं चटनी बना देती हूँ फिर मैं बनाती हूँ कलीजी, मटन वाली कलीजी। तो मैं अभी यहाँ पे पहले डाल दूँगी कढ़ाई में, मैंने कुछ नहीं डाला है, बस सीधा डायरेक्ट मैंने इसको वॉश करा अच्छी तरह, जैसा मैंने इसको कहा था कि पीसेस छोटे करने, पीसेस मैंने छोटे करे, अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब
फिर मैं डायरेक्टली डाल दिया है कढ़ाई में, ताकि इसका पानी जो है अपने आप रिलीज होएगा तो अपने आप ही बन जाएगा। पहले तो मैं कभी भी मटन कलीजी बनाती तो इसी स्टाइल में बनाती हूँ, ताकि जो खुशबू क्या बोलते स्मेल होती है, कच्ची स्मेल होती है, वो यहाँ पर नहीं होती। तो इस वाले तरीके से बनाती हूँ। हमेशा सुखा देते हैं मटन कलीजी, तो इसमें पानी रिलीज होता है, वो पानी सूखने के बाद ना इसमें कोई वैसी कच्ची स्मेल जो है नहीं रहती। तो यहाँ पे साइड में मैंने कढ़ाई रख लिया है टमाटर पेस्ट का चटनी बनाने के लिए। तो कलीजी मैंने 2-3 बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी, तो काफ़ी लोगों को मालूम होगा मैंने 2-3 बार कलीजी की रेसिपी शेयर करी थी। यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी जो है पहली बार शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी, तो आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, आप लोगों के पास टमाटर नहीं है तो मतलब जैसा ये पेस्ट मेरे पास है वो वाला आपके पास नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो टमाटर अच्छे पक्के लाल टमाटर लेके गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए बिना पानी के, अच्छी तरह पेस्ट बना के देखिएगा, उसमें भी आएगा टेस्ट। लेकिन और इनका पेस्टों का अलग है, लेकिन वो टमाटर का अलग है, फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, तो वो भी अच्छी लगती है चटनी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है और डाल दिया ऑयल। अब डालते हैं ज़ीरा। पहले मैंने यहाँ पे ज़ीरा डालना है 1 स्पून भर के, ताकि जब ज़ीरा अच्छी तरह चटक जाएगा तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे करी लीव्स। जैसा हमने डाल दिया करी लीव्स, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे ऑनियन। तो मैंने 3 ऑनियन लिए हैं, बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, मीडियम साइज़ के 3 ऑनियन। वो वाले ऑनियन को यहाँ पे डाल देते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि करीबी का रंग किस तरह बदला जा रहा है, तो इसी तरह ड्राई होती है। तो यहाँ पे ऑनियन जब तक हल्का सा गोल्डन होने लगेगा, इसमें मैं हम छील लेते हैं 4-5 लहसुन की कली। तो लहसुन की कली मैं धूप में रखना था तो यहाँ पर मैंने रख दिया है, अभी यहाँ से ही ले लेते हैं 2-4। तो ये बड़े बड़े वाले हैं ना, आराम से छिल जाते हैं इसमें, तो बहुत ही इजी होता है मुझे छीलने के लिए। और पहाड़ी लहसुन है, यह हेल्थी भी है, तो ये वाला लहसुन मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी इसके बाद जब भी तमिलनाडु जाऊंगी या कुरियर मंगाऊंगी तो मैं स्टोर करके रखूंगी अपने लिए लहसुन, तो इजीली छिल भी जाता है और अर्जेंट के तौर पे पीस भी जाता है, तो मुझे ये वाला लहसुन बहुत ही अच्छा लगा। रही अदरक वाली बात, तो जिंगर वाली बात नहीं है इसे लेंगी, लेकिन गार्लिक की जो बात है मैं लूँगी तमिलनाडु से, तो मुझे ये वाला लहसुन अच्छा लगा तो फटाफट मैं छील लेती हूँ। तो यहाँ पे जब तक ऑनियन होती थी मैं इतने में लहसुन गार्लिक को अच्छी तरह क्रश कर लिया है, तो मैंने इसको काट भी सकते थे बारीक बारीक स्लाइसेस में, लेकिन नहीं, इसको कुचल के डालने का मतलब क्रश करके मैश करके डालने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, अब इसको भी अच्छी तरह तल लेंगे। तो यहाँ पे कलीजी जो है हमारी अच्छी तरह ड्राई हो गई है, देखिएगा पानी किस तरह रिलीज़ होता है। तो ये सूखने के बाद मैं करती हूँ इसको स्टोबंद, और यहाँ पे ऑनियन और गार्लिक तो अच्छी तरह फ्राई हो गए दोनों मिलके। अब तो हम यहाँ पे डालेंगे बेसिक्स मसाले। बेसिक्स मसाले डालने से पहले मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ ग्रीन चिल्ली, जो मैंने हाफ ऑफ के तौर में कट करी है। तो अब यहाँ पे ऐड करते हैं मसाले। पहले मैं लेती हूँ कॉर्निडर पाउडर, छोटा वाला स्पून भर के मैं 2 स्पून कॉर्निडर का ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ले रही हूँ 4 पैकेट, तो उसके हिसाब से मैं ऐड करूँगी 2 स्पून। और यहाँ पे चिल्ली पाउडर मैं ऐड करती हूँ 2 स्पून, क्योंकि मेरे पास 4 पैकेट हैं इसलिए। और टर्मरिक मैंने 1/2 स्पून, तो यहाँ पर मैंने 1 स्पून ऐड करा है मैंने टर्मरिक। तो यहाँ पे पूरे बेसिक्स मसाले ऐड करने के बाद यहाँ से मैं डालती हूँ पानी, तो ये कच्ची खुशबू चले जाएगी और अच्छी तरह तल भी जाएगा। और यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड करने वाली हूँ, करके इसको अच्छी तरह भून देंगे ताकि इसका कच्चापन जो है चले जाए। और अच्छी तरह तलने के बाद मैं वो पेस्ट के पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, मसाले वगैरह ऐड कर दिए, अब इसको मैं छोड़ देती हूँ अच्छी तरह भूनने के लिए। पहले अच्छी तरह भून देंगे, उसके बाद में पेस्ट ऐड कर देंगे, जैसे टमाटर पेस्ट होता है वो वाला ऐड कर देंगे, और उसको भी अच्छी तरह पकाएंगे तो हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मुझे ये वाली चटनी अच्छी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया, तेल भी निखर के ऊपर आ गया है। तो मैं अभी स्टेप पर यहाँ पर ऐड करती हूँ हमारी जो चटनी है वो वाली, मैं 4 पैकेट्स भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे पेस्ट 4 पैकेट ऐड कर दिए, अब इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, देखिएगा यहाँ पे कितना थिक होता है ये,
तो इतना ज़्यादा थिक होता है, लेकिन मैं इसको जब ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैं इसको 5 to 10 मिनट्स अच्छी तरह पकाऊंगी, हाई फ्लेम लो फ्लेम करते हुए, क्योंकि ये ज़्यादातर ना उड़ता है, छींटे इसके बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, लो फ्लेम हाई फ्लेम करके ही पकाती हूँ, और यानी तो ऊपर से ढक देना चाहिए इसको। पहले इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी के साथ, जैसा पकने लगेगा ये ऊपर से मैं इसको बंद कर दूंगी, ताकि ये छींटे उड़े ना, यानी तो मेरा पूरा वाइट टेल्स है ना, ये रेड कर देता है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, जो छींटे उड़ते हैं ना इससे बच जाएंगे तो फिर टेस्टी अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं पकने देती हूँ। तो यहाँ पर पकने लग गया और छींटे भी उड़ने लग गए, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देती हूँ और हाई फ्लेम लो फ्लेम करते हुए इसको मैं हमारे हिसाब से, जैसा हमें चाहिए, हमारी फैमिली को चाहिए थिक चाहिए या ग्रेवी चाहिए, उसके हिसाब से हम रख देंगे। तो हमारे हिसाब में थोड़ी सी थिक, ना ज़्यादा ग्रेवी बनेगी ना ज़्यादा और ड्राई बनेगी, थिक बनेगी। तो मैं अपने हिसाब से एक हिसाब से रख देंगे। तो मैंने साइड पर राइस कुकर में राइस रख दिया, अच्छा करंट पर जो है रखना था मुझे, लेकिन मैंने चावल आज थोड़े से ज़्यादा डाले तो मैंने इस साइड पर रख दिया। जैसा इसको खद्दा लगेगा, मैं मतलब जैसा इसको पकने लगेगा मैं कुकर के तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पकने के लिए मैंने रख दिया और यहाँ पे मेरी चटनी तैयार हो गई है। बस अब मुझे यहाँ पे कलीजी भी मेरी अच्छी तरह मैंने सुखा के रख दिया है, तो अब मैं यहाँ पे ऑनियन वगैरह भी चॉप कर चुकी हूँ, तो मैं अभी बनाना है कलीजी, तो इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट का वेट करना है तो ताकि इसे पक जाए, और ये कढ़ाई जो है मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, फिर कुकर इधर रख के बना लेंगे। तो पूरे मुझे 15-20 मिनट लगे ये बनाने में और क्लीन करने में, तो बहुत ही इजी के साथ बन जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये वाले रेसिपीज़। तो चटनी जैसा मैंने कहा था कि टमाटर थिक पेस्ट बना के फिर बना सकते हैं, वो वाला भी ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और कलीजी फ्राई करके भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने जो कढ़ाई थी उसको यहाँ पे चेंज कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह पक रहा है। मैंने लो फ्लेम पर रखा है और इसको अच्छी तरह मैं न थिक न ग्रेवी इस तरह बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे टाइल्स आप देख ही सकते हैं कहाँ तक इसके छींटे लगे हैं, तो इसी तरह लग जाता है जब मैं ये बनाती हूँ ना, इसी तरह होता है। तो पहले बनाने के बाद इसको मैं एक साइड में करना पड़ेगा, फिर टिश्यू से पूरा क्लीन करना पड़ेगा, फिर जाके मैं कॉलिंग यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। तो कुकर में मैं यहाँ पे डालूँगी पहले थोड़े से करी लीव्स, अगर ना डालो तो भी चलेगा, लेकिन जो एक अच्छी खुशबू होती है ना वो ये करी लीव्स से निकल जाती है। पहले तो हमने ड्राई करके निकाल दिया है, लेकिन करी लीव्स डालेंगे तो टेस्ट भी आ जाएगा, और इसकी करी लीव्स की स्मेल इतनी होती है ना, ताकि हमारी कच्ची स्मेल को दिखाई नज़र नहीं कराने देती। तो ये आपके लिए टिप्स है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, यानी तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करी लीव्स 2-4 पत्ते डाल दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम की साइज़ ऑनियन ली है, वो वाला ऑनियन यहाँ पे बारीक स्लाइसेस में कट कर दिया है ऑनियन को अच्छी तरह। तो मैं अभी यहाँ पे ये वाला ऑनियन ऐड कर देते हैं, अब इसको करेंगे गोल्डन। तो यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है हमारी ऑनियन, तो मैंने यहाँ पे 3 ग्रीन चिली ऐड कर दिए, और साथ ही साथ टमाटर और जिंगर गार्लिक का पेस्ट मैंने दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया। इसलिए मैंने ऐड करा टमाटर ताकि तेल में थोड़ा सा गल जाएंगे, पक जाएंगे, तो जब हम खाएंगे तो टमाटर इतना अच्छा नज़र नहीं आएंगे, तो पता भी नहीं लगेगा हम टमाटर डाले हैं या नहीं भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर को ऐड कर दिया ताकि गल जाए, टिक मसाला भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। इसी तरीके से मैं कलीजी बनाती हूँ। अच्छा, कलीजी बनाते टाइम ना मुझे एक ही बात याद आ गई, तो कोई आया था हमारे घर पर, नाम तो नहीं लूँगी, शायद वो वीडियो भी मेरी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कलीजी में फ्राई करके, जैसा मैं बना रही हूँ ऐसे ही बना के मैंने रख दिया था, लेकिन उनको ना कलीजी के टाइम पे खाते टाइम मुझे बता रहे हैं क्या है? हमारी जब हमारे घर में बनती है तो रबर जैसी हो बन जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, हमारे से खाया नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी वाली कलीजी सॉफ्टनेस है क्यों? तो मैं उसी टाइम पर हंस पड़ी, ताकि कलीजी को ना ये नहीं समझना कि मटन है, 3-4 विजल्स दे दिए फिर स्टोव बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। कलीजी एकदम सॉफ्ट होती है, जैसा हम इसको विजल्स देते जाएंगे तो इसी तरह टाइट होते जाएगी। तो जिस लोग को कढ़ाई पे बनाना है वो कढ़ाई पे भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है, और ये जो गलते हैं ना टमाटर वगैरह, तो ये गल जाते हैं, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। 2 विजल्स दूँगी, 1 विजल आएगी, दूसरी विजल जब जैसे आएगी मैं स्टोव तुरंत ही बंद कर दूँगी। तो इसको लो फ्लेम वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, और जिसने जो जो मुझे कहा था उनसे पूछा मैं कितने विजल्स देते हैं,
तो कह रहे मैं 3 से 4 विजल देती हूँ, तो मुझे हंसी आ गई थी। तब विजल इतना नहीं देना है, तो 2 विजल दे ले, यही बहुत है, 1 विजल भी चलेगा। लेकिन थोड़ी सी हमारी कलीजी ज़्यादा बनती है, मटन हमेशा जो कलीजी बनती है मटन वाली, तो हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, तो मैं इस हिसाब से 2 विजल दे के मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ। और मेरा वाला स्टोव भी यही है, तो जल्दी मेरी सीटी आ ही जाती है ये वाले कुकर पे, तो मैं इस हिसाब से 2 विजल देती हूँ। अगर आपके कुकर में स्लो आती है सीटी, तो आप 1 विजल में ही स्टोव अपना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा टमाटर कितनी अच्छी तरह गल गए, इस तरह एकदम गल जाते हैं जब मैं तेल में ऐड करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तेल में ऐड कर दिया ताकि टमाटर जो है गल के फूट जाए। तो इसी तरह हो गया, टमाटर एकदम फूट गए। अच्छा, यहाँ पे मैं अब ऐड करती हूँ बेसिक्स मसाले। तो यहाँ पे चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कॉरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। तो ये वाले पाउडर्स पूरे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि इसमें जले ना, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे कच्ची खुशबू जाने तक। भूनने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कलीजी। तो यहाँ पे मेरी थिक वाली चटनी तैयार हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो बहुत ही ईजीली बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो गई है। जैसे चटनी तैयार हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने ऊपर के लिए ढका था बर्तन, और दूसरा मेरे टाइल्स आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे चटनी ने क्या हालत करी है टाइल्स की, जबकि मैंने 2 सेकेंड हिलाने के लिए खोला था। तो यहाँ पे देखिए, तो जब भी चटनी बनती है मैं जितनी टेस्टी कितने मज़े से खाती हूँ, तो इतनी सी मेहनत भी करनी पड़ती है मुझे साथ ही साथ। तो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छी तरह तल गया है, और टमाटर आप देख सकते हैं कि कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये वाली जो हमने कलीजी सुखा के रखी थी वो वाली यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और इसको मैं अच्छा सा मसाले में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मटन वाली कलीजी को अच्छी तरह मिक्स कर दिया और मसाले में अच्छी तरह पका दिया इसको। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस इसके हिसाब से, ताकि 2 विजल्स आने के साथ साथ हमारा जो है सूखी बन जाए। मैं ये ग्रेवी नहीं बना रही हूँ कलीजी, एकदम सूखी बना रही हूँ, तो सूखी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग कर दी है, हरा धनिया मीन्स कोथमीर की गार्निशिंग कर दी है। तो हमेशा जब भी मैं ये वाली मटन कलीजी बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़रूरी है कि हरा धनिया यूज़ करूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब बस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और लगाऊँगी 2 विजल्स, फिर हम देखेंगे हमारी कलीजी एकदम तैयार हो जाएगी और टेस्टी। तो डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे कुकर को 2 विजल आ चुके हैं, प्रेशर अपने आप रिलीज होगा। तो ये प्रेशर अपने आप से रिलीज़ होता है, मैं अपने रिलीज़ नहीं करती उसको। तो मैंने यहाँ पे अपने टाइल्स वगैरह स्टोव सब कुछ साफ़ सफाई से कर दिया है। तो मैंने आपको स्टोव नहीं दिखाया, स्टोव की हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। जब तक मेरा राइस भी यहाँ पे तैयार हो गया, तो अब मैं राइस को बॉक्स में निकाल देती हूँ और इसको प्रेशर को अपने आप रिलीज़ करने देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने सिंक को भी क्लीन कर दिया, अपने काउंटर टॉप वगैरह को सब कुछ क्लीन कर दिया। पहले मैं राइस निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बाकी का काम हो जाएगा। तो बस लंच प्रिपेयर हो जाएगा, और बारिश का मौसम तो ऐसा लंच गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। पहले मैं कर लेती हूँ इसमें निकाल दी। तो यहाँ पे कलीजी को प्रेशर रिलीज हो गया, और देखिएगा कितनी ड्राई हुई है बिना पानी के। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था 2 विजल के हिसाब से, तो तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे कर लेती हूँ सर्व। तो बहुत ही टेस्टी और एनी मटन कलीजी है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मैं यहाँ पर सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा लंच तैयार है। यहाँ पे है वाइट राइस, और यहाँ पे टमाटर पेस्ट की चटनी, और यहाँ पे है मटन वाली कलीजी फ्राई, और यहाँ पे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ये वाला, तो मैंने ये वाला भी यहाँ पे रख दिया, जिसको खाना है तो खा सकते हैं। अच्छा, चटनी और कलीजी ना किसी को भिजवाना था, तो मैंने निकाल के भिजवा दिया, क्योंकि उनको भी अच्छी लगती है ये वाली पेस्ट की चटनी और मटन वाली कलीजी फ्राई, तो मैंने दोनों भिजवा दिए। और मेरा काउंटर टॉप किचन सिंक वगैरह क्लीन है, बस इसको मुझे धुलने में थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि नीचे चावल लगे हुए होते हैं, तो मैं इसको एकदम प्रेस करके घिस के नहीं धो सकती, तो मैं इसे पानी डाल के छोड़ देती हूँ ताकि पहले भीग जाएगा, उसके बाद हम इसको आराम से धो लेंगे वगैरह। बाकी सब हमारा
क्लीन हो गया, स्टोर टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन है। तो मेरी किचन आपको कैसी लगी और मेरी क्लीन कैसी लगी और कुकिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरी रेसिपीज ट्राई करके देखिए जा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, आप लोगों को पसंद आ गई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।